ईंदड़ आम चूंडू देर से थियण वारा खदशा सही साबित। इलेक्शन कमीशन नवे ढीह अंदर आम चूंडू कराने का साफ इनकार कर छो। इलेक्शन कमीशन की चुनाव नई आदमशुमारी का नवे ढीह अंदर आम चूंडू नथियो थी सगन। नई आदमशुमारी ते तकबंदी जो कम चई महीने अंदर मुकम्मल कई वो। इलेक्शन कमीशन नई तकबंदियों 17 अगस्त का 14 दिसंबर तक कराने का ऐलान कदे नई तकबंदी लाए सूबाई हुकूमतन शुमारियात खाते का मामला तलब कर वरती है। तकबंदे की शुरुआती फहरिस्त 9 अक्टूबर से शाया कई वी। 10 अक्टूबर का 8 नवंबर तक तकबंदी से एतराज दाखिल कर सकन था। 14 दिसंबर 2023 से तकबंदी की हतमी फहरिस्त जारी कई वी। जुड़ा वाला वाक्यो इंतई अफसोसनाक ए नाकाबिले बर्दाश्त है। अकलियतन खिलाफ अदम बर्दाश्त इंतई वारे रवैये की का भी गुंजाइश ना है। पाकिस्तान जा समूरा शेरी मजहब जेंस इंसात या अकीदा एक बे लाए बराबर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवना है तो कें भी कानून हथ में खड़ की इजाजत न दिनी वी। जुड़ा वाला जड़न वाक्य में मुलविस जवाबदार के इंसाफ के कटड़े में आंदो वो। ISPR मौसम आर्मी चीफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत कदड़ के खिताब कदे छो तो कौमी तरक्की में नौजवानों को किरदार अहम है। नौजवान पाकिस्तान जो मुस्तकबिल है। मुल्क में अमन तरक्की खुशहाली में नौजवानों को किरदार अहम है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाके सिंध के निगरान वे वजीर तौर हल्फ खी वरतो। गवर्नर हाउस में अलबरदारी तकरीब दौरान गवर्नर कामरान टेसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकिर के हल्फ खणायो। अलबरदारी तकरीब में मुराद अली शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत बिन शिरकत कई। निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाके चाहूं था आम चूडू वक्त से थियन आईने कानून के दायरे में रहंदे इलेक्शन यकीनी बनाई वे। जल्द निगरा काबीना मुकर कंदस मुराद अली शाह के सीएम हाउस में रुख्सत थियण वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर वो। अरणा रुकनी निगरा वफाकी काबीना उदे जो हल्फ खणी वरतो। एबानी सदर में हलबरदारी तकरीब दौरान सदर आरिफ अलवी निगरा काबीना के हल्फ खणायो। तकरीब में निगरा वजीर आसम अनवारुल्हक आकर जी भी शिरकत। हल्फ खंडन में अगुणों सिफारतकार जलील अब्बास सिलानी सरफराज बुगटी डॉक्टर शमशाद अख्तर सीनियर साफी मुर्तजा सोलंकी मोहम्मद अली डॉक्टर उमर यूसैफ गुहर एचास लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ए जमाल शाह शामिल। अहमद इरफान खलील जहाज शाहिद अशरफ तारण नदीम चांद अनीक अहमद मोहम्मद समी सईद मदद अली सिंधी बनिगरा वफाकी वजीर तौर हल्फ खणी वरतो। जलील अब्बास सिलानी परडी खाते जो निगरान वजीर मुकर सरफराज बुगटी के घरू खाते एंटी नार्कोटिक्स समुद्र पार पाकिस्तान जो कलमदान डिनो वो। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर के दिफा शमशाद अख्तर के नाड़े खाते इक्तसादी मामलों का कलमदान अलॉट। अहमद इरफान असलम कानून इंसाफ मुर्तजा सोलंकी तात नशरियात का वजीर थी वह। समी सैद के तरक्की रिथाबंदी जमाल शाह के कौमी विरसो ए सकाफत मदद अली सिंधी के तालीम बारी वजारत कौमी भाईचारे नौजवानों बारे खाते जो वजीर बनाए वो। शाहिद अशरफ तारर के मवासलात खलील जाज के इंसानी हकन बारे वजीर की जिम्मेवारी दिनी वही। गुवर एचास टेक्सटाइल डॉक्टर उमर सैफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली तवनाई अनीक अहमद मजहबी मामले का वजीर मुकर्रर। रानीपुर की पीरानी हवेली में मुबीना तशद पर फोर्थ लवरी है जिनीगरी फातमा के केस में गिरफ्तार असद शाह अदालत में पेश। चैनी की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले फातमा की कबरखुशाई पोस्टमार्टम लाए दरख्वास्त में जमा कराई वही। मैजिस्ट्रेट पारा कबरखुशा की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमा कराने का हुक्म। जवाबदार असद शाह की घरवारी हिना शाह सिंध हाईकोर्ट सकर बेंच में 7 दिन की हिफाजती जमानत मंसूख कराई वरती। अदालत पारा हिना शाह के 7 दिन अंदर लागापियल अदालत से राबतो करने का हुक्म। धरती टीवी रानीपुर में पीरन की हवेली में तशद जो एक बो वाको सामू आने छो। पीरन की हवेली से कमकार दौरान मुबीना तशद जो निशान उपड़ायल एक बी निगरी जा धरती टीवी से गालाइंदे छिड़काइंदड़ इंकशाफ। फोती निगरी फातमा की सॉफ्ट में मुतासर निगरी उचाला फुरड़ू जो चवण है रानीपुर की हवेली से कम कर दौरान असद शाह संदस घरवारी हिना शाह के तशद जो निशानो गाइंदा हुआ। घरवार के तशद जो बुधाइंदी हुएस तो यकीन न कंदा हुआ। फातमा से मौत वारे वाक्य पात भली निकती आए हाँ इंसाफ फरहम कर वे।
जेएसकेएम चेयरमैन सनान कुरैशी रानीपुर में पीर की हवेली से मुबीना तशद में माशी वेल निगरी फातिमा फुरड़ो वे वाक्य की जांच ला शहटी चुनण जो मुतालबो कर सनान कुरैशी मुतासर निगरी से गोठ पोची वालदे से यकजेती जो इशार किया। सनान कुरैशी बेरोजगारी एतरी वधी वई है जो निगरी 3,000 रुपये की मजदूरी कंदी हुई वाक्य की जांच ला शहटी जोड़ी वे जी मुतासर से इंसाफ थी सके जेएसकेएम मुतासर कुटुंब से हर मुमकिन सहकार जारी रखी। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा में अहम मुलाकात आम चूडू वक्त से कराने से गाल जरियन मौजिब चीफ जस्टिस ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर विच में मुलाकात बिन कलाक ताई जारी रही। नई आदमशुमारी चूडू वक्त से कराने में रंडको खत्म करने विचार वो चीफ जस्टिस चूडू वक्त से कराने बाबत आईनी शिकन से जोर दिनो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मसलन का आगाही दिनी। सुप्रीम कोर्ट गुजर महमूदाबाद ए औरंगी नाल के 6,000 का मथे मुतासिम के चेक अदा करने हुक्म दई छो। अदालत के तलब करने सईद मुराद अली शाह मेयर कराची मुतसा वाहा पेश अदालत जो चुना है 7 दिन अंदर चेक तैयार कर टे दिन अंदर मुतासिम के दिना वन कमिश्नर कराची चेक की अदायगी में शफाफियत यकीनी बढ़ाए बेजाबतगी एडिशनल कमिश्नर कार्रवाई कर सिंध सरकार रिपोर्ट जमा कराईदे जाना वो तो मुतासिम के 13,000 चेक दई अरब डॉलर अदा क्या मुतासर लाइ मरीज में 250 एकड़ जमीन पिण फराम की वही है। सिंध हुकूमत वट वसील की खोट है सिंध जहा 462 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट वरता पैसा अकाउंट में पेल हुजन बदरा सिंध के मानू से खर्च थे घुर्जन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बहरा मीडिया से गालाईदे मुराद अली शाह चो तो मुतासर के हर महीने 15,000 रुपया देने का फैसलो थो गुजर नाले से मुतासर के ब किस्तू जारी भी थियन अदालत के मुतासर जो मसलो हल कराने की खातरी कराई वही वे वजीर मुराद अली शाह हर महीने रिपोर्ट जमा न कराए सकते अदालत का माफी घुरे वरती। अकलियतन जो तहफुज रियासत की बुनियादी जिम्मेवारी है आईन अकलियतन के तहफुज फराम करे तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल जो अकलियती वफद से मुलाकात दौरान गाल चीफ जस्टिस चो तो अकलियतन के पेश चैलेंजेस के मुंह डेण लाए गजल काविशन की जरूरत है हर पाकिस्तानी के मजहबी आजादी हासिल है सुप्रीम कोर्ट अकलियतन के हकन की जामिन है। सिंध सरकार कम जो सरकारी अग 425 रुपया फी मण मुकर कर नोटिफिकेशन जारी कर नोटिफिकेशन में जाना पे आ शुगर मिल्स मालिक 15 नवंबर का क्रैशिंग शुरू कर पाबंद हुआ। जाम नवाज अली जो गुम जड़ियल नौजवान बेदर्दी से कतल चमलाव के नालपा लाशत वीरानी भी दे गुम थी पियल नौजवान जावर अली कटोर के अंडियातल मानू पानी से वार करे कतल करण बाद लाश चमलाव के नाल पे फिटो कयो वासन संदस कपन मा सुनाणप कई लाश अस्पताल मुंतकिल। राजू खानाड़ी में मासूम न्याणी लक्ष्मी कोहली के साथी जो निशानो बाए कतल कदे जवाबदार इंसाम से पहुंची पो माते पुलिस पारा रोकने की कोशिश से फायरिंग मुबैना मुकाबले में जवाबदार कमलेश कोहली मारी पो पुलिस समेत माची वे जवाबदार से कब्जे में चोरी की मोटरसाइकिल ए पिस्टल हथ कर पो है। आई मोरोच इलाके सचल कॉलोनी में निगर साबत पेली से इंसाम हेठ रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार केस दाखिल मुतासिर जवान के फरियाद पुलिस रिक्शा ड्राइवर सदाम कुराई के गिरफ्तार करे लॉकअप हवाले कर छोड़ो।